एस्ट्रोनॉमिकल क्लास टेंथ उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे बेटा जी। लास्ट लेक्चर में हमने 2.5 को कम्प्लीटली सॉल्व किया था स्टूडेंट्स, और हमने वहाँ पे देखा था कि हमें अगर रूट्स गिवन हो तो हम उसे इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा एक नया टॉपिक है, दैट इज सिंथेटिक डिवीजन। स्टूडेंट्स ये भी एक डिवीजन की टाइप है, लेकिन इट्स डिफरेंट फ्रॉम द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन जो आपने की हुई है स्टूडेंट्स पॉलीनोमियल्स की, वो भी सेम, उसके आंसर्स जो हैं वो ऐसे ही हैं। अगर आप उसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो आंसर्स सेम ही रहेंगे, आंसर्स पे इफेक्ट नहीं होता। इट्स अनदर टेक्निक और मेथड टू सॉल्व दोस पॉलीनोमियल्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स हम उसकी बेसिक डेफिनेशन पे हैं तो दैट इज़ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कोशेंट एंड रिमाइंडर। स्टूडेंट्स ये वही है, उसी तरह से ही है। जब भी आप डिवीजन करते हैं तो ऑब्वियस डिवीजन आप इसलिए करते हैं ताकि आप कोशेंट फाइंड कर सकें और रिमाइंडर फाइंड कर सकें। व्हेन पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलीनोमियल, बस इसमें एक चीज़ है कि जो आपका पॉलीनोमियल स्टूडेंट्स वो डिवाइड होना चाहिए किससे, वो एक लीनियर पॉलीनोमियल से ही डिवाइड होना चाहिए। सो दिस इज सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो पॉलीनोमियल स्टूडेंट्स दैट शुड बी अ लीनियर पॉलीनोमियल। अब स्टूडेंट्स हम उसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2.6 कम्प्लीटली आपकी बेस करती है सिंथेटिक डिवीजन पर, तो उसके डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे, डिफरेंट हम उसके मेथड्स देखेंगे। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट केस इज यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द रिमाइंडर। स्टूडेंट्स हमें पार्ट्स गिवन है, वी जस्ट हैव टू फाइंड रिमाइंडर बाई यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो स्टूडेंट्स इस डिवीजन को सॉल्व करने के लिए आपने सिर्फ कुछ चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना है, लाइक कि आपका जो पॉलीनोमियल गिवन है स्टूडेंट्स उसकी जो पावर्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आपके पास हर वैल्यू का, हर पावर का जो कोफिशेंट है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको फिलफिल कर लें, लाइक आपको गिवन है x² + 7x - 1। हाईएस्ट पावर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ रही है, x², तो x² से जितनी भी कॉन्स्टेंट तक पावर्स हैं आपके पास हर पावर की वैल्यू होनी चाहिए। लाइक इसमें आपके पास x² के बाद x है, उसकी वैल्यू भी है, फिर कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी है। स्टूडेंट्स सपोज आपको गिवन है x5, x^5 आपको गिवन है, तो उसके बाद आपके पास 4 की वैल्यू भी होनी चाहिए, क्यूब भी होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए और x भी होना चाहिए। इन केस कोई एक भी पावर मिसिंग है तो उसको आप 0 के साथ फिल करके कंप्लीट कर सकते हैं। सो वो चीज़ें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब आएंगी। सो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं, आपने इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। सो अब देखिएगा बेटा जी, आप क्या करेंगे, आप एक टेबल बना लेंगे इस फॉर्म में। आप स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने जो लिखना है वो x² का कोफिशेंट है स्टूडेंट्स, जो भी आपकी हाईएस्ट पावर होगी। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है दैट इज x², उसका कोफिशेंट स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर x का कोफिशेंट स्टूडेंट्स दैट इज 7, सिर्फ कोफिशेंट्स लिखने हैं। और स्टूडेंट्स लास्ट पे कॉन्स्टेंट्स एंड दैट कॉन्स्टेंट इज -1। सर ये तो हमने लिख लिया, अब आपने डिवाइड कैसे करना है स्टूडेंट्स, देखें डिवाइड वो किससे हो रहा है, x + 1 से। अब ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट्स ये डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये उसका फैक्टर होगा, तो अगर ये फैक्टर है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एंड x विल बी -1। तो ये जो -1 है स्टूडेंट्स इससे आपने डिवाइड करना है, ठीक है। अब मेथड समझिएगा बेटा जी, क्योंकि मेथड ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपको जो फर्स्ट कोफिशेंट है उसको आप एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, फर्स्ट कोफिशेंट को आप एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स ये 1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी आंसर आएगा वो उसके नीचे लिखा जाएगा, सेकेंड कोफिशेंट के नीचे। और स्टूडेंट्स अब इनको आपने अकॉर्डिंग टू साइन जो भी होगा, प्लस है प्लस कर दें, प्लस माइनस है तो ऑब्वियसली हम माइनस करते हैं। सो देखिएगा स्टूडेंट्स 7 - 1 तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नाउ ये 6 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो स्टूडेंट्स जब ये 6 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, -6। अब इनको सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो क्या आ गया, -7 आ गया। अब नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास कोई और कोफिशेंट नहीं आ रहा, हमारे पास और कोई भी कोफिशेंट नहीं है, सो दैट्स इट, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। अगर कोई और कोफिशेंट होता तो ऑब्वियसली -7 फिर -1 से मल्टीप्लाई होता और आंसर सॉल्व करते। इस तरह डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स हमेशा राइट हैंड साइड पे जो भी कोफिशेंट होगा स्टूडेंट्स आपका, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ यूअर रिमाइंडर। ये हमेशा आपका क्या बनेगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर बनेगा, और ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट यूअर कोशेंट। हमने क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड तो नहीं करना, लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट्स आपने स्टार्ट करना है राइट हैंड साइड से। अगर मैं क्वेश्चन लिखना चाहूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड का जो स्टूडेंट्स कोफिशेंट होगा दैट विल बी योर कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो कॉन्स्टेंट लिख लें, ऑब्वियसली उसके साथ प्लस आ रहा है। और स्टूडेंट्स मूव करते जाएँ विद रिस्पेक्ट टू पावर ये इंक्रीज होता जाएगा, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट से बाद पावर 1 आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा, और कोई भी आपका कोफिशेंट नहीं है।
सो दिस विल बी योर कोफिशेंट सॉरी कोशेंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर. बट इन क्वेश्चन में क्योंकि हमने जस्ट रिमाइंडर फाइंड करना था तो आप सब यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे. अब इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और डिवाइड किसे हो रहा है स्टूडेंट्स, एक्स माइनस 2 से. तो बेटा जी उसी तरह से पहले टेबल बना लें आप. तो देखिएगा स्टूडेंट्स एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट दैट इज 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज ऑल्सो 1, माइनस 3 एंड 2. अब स्टूडेंट्स डिवाइड किससे करना है आपने, अब देखिएगा डिवाइड किससे हो रहा है स्टूडेंट्स, एक्स माइनस 2 से हो रहा है. तो ऑब्वियसली आप इसे एक्स माइनस 2 को क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि उसका फैक्टर है. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी 2. तो आप किससे सॉल्व करेंगे, 2 से. स्टूडेंट्स मेथड वही, फर्स्ट कोएफिशिएंट एज इट इज आ गया आपका. नाउ ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 2. 2 प्लस 1 इट विल बी 3. नाउ स्टूडेंट्स 3 टू इज 6, 6 माइनस 3 आंसर विल बी 3. नाउ स्टूडेंट्स अगेन 3 टू इज 6 एंड 6 प्लस 2 इट विल बी 8. तो बेटा जी अगेन उसी तरह से आपका जो लास्ट कोफिशेंट होगा जो राइट हैंड साइड पे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे होगा दैट विल बी योर रिमाइंडर. तो स्टूडेंट्स ये आपका रिमाइंडर फाइंड हो गया. अब इसका अगर हम क्वेश्चन लिखना चाहें तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा जरा, कॉन्स्टेंट स्टूडेंट्स ये एक्स की टर्म होगी तो उसको आप लिख सकते हैं 3x एंड इट विल बी ऑफ एक्स स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3. ये रिक्वायर्ड नहीं है हमें बट सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्योंकि आगे आपने इनको सॉल्व करना है. नाउ स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज 0 ऑफ द पॉलीनोमियल. तो स्टूडेंट्स इट मींस कि 3 इसका एक फैक्टर है. तो स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, फैक्टर है, तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देंगे. बट यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया था इन केसेस में भी कि आपने पावर्स देखनी है कि आपके पास जो फंक्शन गिवन है जो पॉलीनोमियल गिवन है क्या उसकी सारी वैल्यूज कंप्लीट हैं. सर देखें 2x क्यूब स्क्वायर की टर्म भी आपके पास 3hx स्क्वायर. सर यहाँ पर हमारे पास x की टर्म नहीं है कोई भी, तो बेटा जी आप उसको 0x तो लिख सकते हैं, यस सर वी कैन प्लस 9. तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर कोई वैल्यू कंप्लीट नहीं है तो आपने उसको कंप्लीट करना है. अब स्टूडेंट्स हम टेबल बनाएंगे और जब आप टेबल बनाएंगे तो देखें एक्स क्यूब का कोफिशेंट दैट विल बी 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट स्टूडेंट्स दैट इज माइनस 3h, एक्स का कोफिशेंट स्टूडेंट्स दैट इज 0 और फिर लास्ट पे आपका कॉन्स्टेंट आ जाएगा विच इज 9. अब क्योंकि स्टूडेंट्स हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 एज इट इज आ जाएगा, यू नो दैट फर्स्ट टर्म उसी तरह से. तो बेटा जी ये क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया. नाउ स्टूडेंट्स 3 टू जै 6, इसको माइनस कर लें स्टूडेंट्स इट विल बी 6 माइनस 3h. अब बेटा जी इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखेंगे स्टूडेंट्स 6 3 जै 18 माइनस 9h, स्टूडेंट्स प्लस 0 है, 18 माइनस 9h एज इट इज आ जाएगा. अब अगेन इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 18 3 जै इट विल बी 54 एंड 9 3 जै 27h. तो इसको जब बेटा जी आप सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बिकम 63 माइनस 27h. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया, आप देखें आप लोग जानते हैं एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू होती है दैट इज ऑफ रिमाइंडर, दैट इज ऑफ रिमाइंडर. अब देखें बेटा जी 3 क्योंकि पॉलिनोमियल है हमें कंडीशन गिवन है इट मींस 3 उसका एक फैक्टर है. तो स्टूडेंट्स अगर एक फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो बेटा जी हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं एस 3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल जो हमें गिवन भी है. सो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0. तो बेटा जी आप क्या करेंगे, आप जो भी रिमाइंडर आया है उसको 0 पुट करके आप h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स इट विल बिकम 63 माइनस 27h इक्वल टू 0. ऑब्वियसली 27 नेगेटिव है, साइड पे आके बेटा जी पॉजिटिव हो जाएगा. सो वी कैन राइट 63 इक्वल टू 27h. सो इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स 27 डिवाइड होगा, सो h पहले लिख रहा हूँ, इट विल बिकम 63 डिवाइडेड बाई 27. नाउ स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लें, दोनों 9 की टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं स्टूडेंट्स. सो 9 7 इज 63 एंड 9 3 इज 27 एंड वैल्यू ऑफ h विल बी 7/3. सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज योर पार्ट नंबर 1. इसका पार्ट नंबर 2 आप खुद से करेंगे, पार्ट नंबर 3 मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं. अगेन हमें स्टेटमेंट गिवन है -1 इज 0 ऑफ द पॉलीनोमियल 2x क्यूब प्लस 5hx माइनस 20
3 एंड वी हैव टू फाइंड h. तो देखें बेटा जी, सबसे पहले आप पावर्स अपनी कंप्लीट कर लें, अपनी वैल्यूज पूरी करें. सो x क्यूब हमें गिवन है विच इज़ 2x क्यूब. अब स्टूडेंट्स स्क्वेयर में हमें वैल्यू गिवन नहीं है, तो बेटा जी आप उसको क्या लिखेंगे, आप उसको 0x² लिख देंगे. स्टूडेंट्स अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी अ मिस्टेक और इससे पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा. सो ऐसी मिस्टेक आपने नहीं करनी. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली हम टेबल ड्रॉ करेंगे. एक्स क्यूब कोएफिशिएंट दैट इज 2, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स दैट इज 0, एक्स का कोएफिशिएंट 5h एंड कॉन्स्टेंट इज -23. और स्टूडेंट्स डिवाइड आपने किससे करना है, -1 से करना है, बिकॉज हमें गिवन है -1 इज 0 ऑफ द पॉलीनोमियल. तो बेटा जी फर्स्ट टर्म आपकी जो है वो एज इट इज आ जाएगी, यानी ये 2 आपका एज इट इज आ जाएगा. स्टूडेंट्स 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा आंसर विल बी -2 एंड -2 प्लस 0 स्टूडेंट्स आंसर विल बी -2. अब बेटा जी ये -2 -1 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 5h + 2. नाउ स्टूडेंट्स -1 से मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो -h - 2 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लें, -h - 25. तो ये आपके पास क्या आ गया, -5h - 25. तो स्टूडेंट्स एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है ऑब्वियसली दिस वन इट इज़ योर रिमाइंडर. तो बेटा जी उसी तरह से जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था, हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे एंड दैट स्टेटमेंट इज एज -1 = 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि स्टूडेंट्स ये उसका फैक्टर है. तो ऑब्वियसली क्या होगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा. और स्टूडेंट्स आपके पास रिमाइंडर आया क्या है, दैट इज -5h - 25 = 0. तो बेटा जी आप -5h - 25 को पुट कर दें = 0. तो ये -5h किसकी इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 25 एंड h विल बी इक्वल्स टू -5. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ h. स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम इसी मेथड से होगा. होप्स आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 डिस्कस करेंगे, इन विच 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. सो होप्स स्टूडेंट्स आज का लेक्चर क्लियर है. सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.